कुछ व्यक्ति मणिमहेश यात्रा पे गए थे, गौरीकुंड तक पहुंचे थे और नीचे आ रहे थे। भारी बरसात के कारण उन्होंने दंजों में शेल्टर लिया था। वहाँ पे हमारे पास उपयुक्त स्थान है, उनके पास खाने का प्रावधान भी था ताकि वो जहाँ जब तक शेल्टर में है तो दिक्कत इसकी ना आए। कल से हम रेस्क्यू वाले टास्क में लगे हुए हैं। भरमौर से हडसर तक सड़क भी 3-4 स्थानों पे बंद थी, वो अब क्लियर कर दिया गया है सड़क को। साथ में जो व्यक्ति फंसे हुए थे उसमें से 26 व्यक्ति नीचे आ गए हैं, उनको वहाँ से हडसर से लोकल लोगों की टीम और रेवेन्यू की टीम ये ऊपर गए थे और दो लोग उनको लीड करके सपोर्ट करके धंचों से नीचे ले आए हैं। जो बाकी व्यक्ति हैं जो नाले के पार हैं उनको भी स्कॉट करके लेके जाया जा रहा है। उनको पुराने रूट से लेके लाना पड़ रहा है क्योंकि पुलिया जो थी नाले पे वो बह गई थी और साथ में रास्ता भी ख़राब हो गया था जो नया वाला रास्ता है, तो पुराने रास्ते से उनको लेके लाया जा रहा है, जिसमें माउंटेनियरिंग की टीम, होमगार्ड, रेवेन्यू, पुलिस, सारे कर्मचारी, एक हमारी टीम गई हुई है, उनको ऊपर गौरीकुंड तक लेके जाएंगे, पुराने रास्ते से लेके आएंगे। मुझे उम्मीद है कुल ये जो बाकी भी रह गए लगभग 34 लोग ये शाम रात तक हमारे पास नीचे आ जाएंगे हडसर में। सर कुछ लोग ऊपर तो नहीं फंसे हैं, मतलब ये तो लोग तो निकाल लिए जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऊपर और लोग फंसे हों, कुछ ऐसा नहीं? ये सारे ही हैं जो हमारी जानकारी है, सारे ही हैं, और भी कोई होंगे तो हमारी टीम, जैसे मैंने बोला, इलाके में ही है, वो उनको सारा मैप आउट कर रही है, ट्रेस कर रहे हैं, और भी कोई होंगे तो ट्रेस कर लिए जाएंगे और साथ आ जाएंगे। कितने का रूट जो है चल पड़े हैं मैक्सिमम चंबा जिला के? जैसे हम कल कर रहे थे, अभी हमारे वर्तमान में जो सुबह तक की रिपोर्ट है 96 PWD की सड़कें हैं जो अभी वर्तमान में बंद हैं। पंचायत की सड़कें अलग हैं जैसा आप जानते हैं, और उसमें भी समय भी लगेगा, कहीं कहीं खोल भी रहे हैं, और जो ग्रामीण इलाकों में लोग रहते हैं खुद भी अपनी मशक्कत भी करते हैं, थोड़ा वो सावधानी से करने के लिए बोला गया है। सर कुछ लोग साच पास के नज़दीक बोगोटो के पास फंसे हुए थे, क्या उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है या क्या, कहाँ तक पहुँचा प्रोसेस? हाँ, वो निकाल